नहीं, बैकअप टाकून ठेव। हेलो, चालू करती हूँ। आज नागपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक सोसाइटी की तरफ से स्तनपान इस विषय पर चर्चा सत्र आयोजित किया गया है। मैं डॉक्टर वैशाली चंगोले इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर स्वप्निल भिसिकर उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। वे एक न्यूनेटोलॉजिस्ट व लैक्टेशन एक्सपर्ट है। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं डॉक्टर अलका मुखर्जी, जो कि हमारे नागपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, उनको मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैडम आपकी। यस यस, एम आई ऑडिबल वैशाली? यस यस मैम। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल डियर फेसबुक फ्रेंड्स, टुडे स्पीकर डॉक्टर भिसिकर, मॉडरेटर डॉक्टर चांगुले, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एफबी लाइव शो फॉर ऑन द ओकेजन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वी हैव डॉक्टर भिसिकर हु इज अ लैक्टेशन एक्सपर्ट, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ के दूध की तुलना किसी भी चीज से नहीं हो सकती, और हर बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए ताकि बच्चा बड़ा होकर सुदृढ़ तथा स्मार्ट बने। ये उपक्रम हम लोग आज की 2 तारीख है, 1 तारीख से शुरू कर चुके हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, और वो हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर भिसिकर, जो कि लैक्टेशन एक्सपर्ट है, और आज हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप जो भी सवाल पूछेंगे उनका पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर भिसिकर एक लैक्टेशन एक्सपर्ट है। सो आई वेलकम यू ऑल एंड आई रिक्वेस्ट द मॉडरेटर डॉक्टर वैशाली सांगुले टू स्टार्ट विद द प्रोग्राम। ओके वैशाली, मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। आप सब लोगों को स्तनपान इस विषय पर चर्चा सत्र पर आप सादर आमंत्रित है। स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाने के मकसद से अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ के दूध के महत्व की जानकारी दी जाती है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। माँ का दूध शिशुओं को कुपोषण व अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकती है। शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। आज इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करती हूँ और पहला प्रश्न, मैं डॉक्टर वैशाली चंगोले आपकी प्रसूति व स्त्री रोग तज्ञ हूँ, और आपके सवालों का उत्तर देने के लिए डॉक्टर स्वप्निल भिसिकर, जो कि न्योनेटोलॉजिस्ट और लैक्टेशन एक्सपर्ट है, वो इन सभी सवालों पर निराकरण करेंगे। तो मैं पहला प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया, फिर कुछ माताओं का लैक्टेशन फेलियर यानी स्तनपान ना करा पाना कि क्या कारण है? धन्यवाद चांगोले मैडम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुखर्जी मैडम एंड चांगोले मैडम को और एनओजी सोसाइटी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। हाँ देखिए मैडम, ये बहुत ही सही बात है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही नेचुरल है, मतलब ये सभी प्राणियों में मिला जाता है, मोस्टली जो मैमल्स होते हैं उनमें मिला जाता है, मिलता ही है। लेकिन फिर भी ये ऐसा देखा गया है कि हम ह्यूमंस, जब हम इनसे डाइवर्ट होने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी दूसरी चीज को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग रेट अपने आप ही कम होते जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ माँ का दूध ही देना है बच्चे को, ये सिर्फ 40% बेबीज में ही मिलता है। मतलब अब आप देखेंगे तो 10 में से 6 माता अपने बच्चे को पूरी तरह जितना चाहिए उतना दूध पिला नहीं पाती है, और सिर्फ 4 माताएं, 10 में से सिर्फ 4 माताएं ये दूध पिला पाती है। ये ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात यह है कि रहती है कि जितनी भी माताएं डिलीवर होती है, मतलब जब प्रेग्नेंट मदर डिलीवर होती है, तब उनको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है कि वो डिलीवरी के बाद तुरंत बाद कैसे फिट कराएंगे, और ये जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चे के पकड़ने से लेके माँ बच्चे ने दूध ठीक से कैसे पिया, ये सब चीजों के आंसर उनको नहीं मिलते हैं।
उनको समझ में नहीं आता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होता है, एक डिटर्मिनेशन लेवल डेवलप नहीं होता है। तो इसके कारण जो हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नथिंग बट 90% डिटर्मिनेशन एंड 10% ओनली साइंस, तो ये सब चीजें उसमें हैम्परिंग होता है और माताएं अपने बच्चों को ठीक से दूध पिला नहीं पाती है। तो ये अगस्त के फर्स्ट वीक हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माताएं ये वीडियो देखे ताकि और वो समझे और इससे प्रेरित हो और ये बिल्कुल ठान ले कि अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है जो उसके लिए काफी लाभदायक और अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्तनपान बच्चे को कराने के फायदे क्या है, हमारी माता को, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो उनको बहुत आइडियाज क्लियर होगी, फायदे क्या है शिशु। जी जी जी, देखिए स्तनपान कराने के फायदे बेबी को तो है ही, साथ साथ माताओं को भी है, जैसे आप मैडम आप बता रहे थे। तो बच्चे को क्या फायदे हैं, हर एक माता का दूध उसके बच्चे के लिए स्पेशली अलग तरीके से बनाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट ऐसा रहता है जिसमें बच्चा अच्छे से पचा भी पाए और उसके विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहे। अगर ये हम कंपेयर करते हैं फॉर्मूला फीड से, जिसमें जो कि मोस्टली गाय के दूध से बनाया रहता है या फिर सोया मिल्क से बनाया रहता है, जिसमें बच्चे को दूध पचाने की क्षमता ये बहुत ही कम रहती है और देखा जाता है कि उससे बच्चे में मोटापा ज्यादा बन जाता है, क्योंकि क्योंकि हम भी जानते हैं गाय का दूध से जिससे पाउडर बन रहा है वो एक्चुअली उसके बछड़े के लिए होता है, जिसलिए बछड़े की जैसे ग्रोथ होती है रैपिडली होती है, बच्चा पहले मतलब बछड़ा छोटा रहता है और कुछ दिनों के बाद एकदम बड़ा दिखने लगता है। इसी कारण की वजह से ही टॉप फीड मतलब फॉर्मूला फीड से बच्चों में मोटापा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी दूसरी बात मानसिक विकास, मानसिक विकास जब बच्चों को अपने माता का ही दूध मिलता है तो ऐसा देखा गया है कि उनका IQ पॉइंट जो रहता है 8 पॉइंट से ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो बच्चे फॉर्मूला फीड पर रहते हैं, और उनमें बार बार इन्फेक्शन के चांसेस जैसे रेस्पिरेटरी निमोनिया होना, यूरिन का इन्फेक्शन होना, पेट में डायरिया होना, ये सब चीजें और कान में ओटाइटिस मीडिया, ये चांसेस काफी कम हो जाते हैं, इनको बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन होने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। ये हो गई छोटे मतलब इमीडिएट बात, इमीडिएट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है बच्चों को आगे जाके जो चांसेस रहते हैं छोटे मोटे रूप में कैंसर की शिकायत वगैरह आजकल दिखाया जाता है, मोटापा दिखाया जाता है, बीपी की शिकायत जल्दी जल्दी हो रही है, ये सब चीजों से भी प्रोटेक्शन मिलता है अगर माताएं अपने बच्चों को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग करें। ये हो गए बच्चों के बारे में बात। अभी माताओं में भी ब्लीडिंग का कम होना, मेरे ख्याल से आप वैशाली मैम आप इसमें अच्छे से जानकारी दे पाएंगे कि माताओं में क्या बेनिफिट होते हैं। माताओं में ऐसा है कि जब बच्चा दूध पीता है तो वो हार्मोन का एक कैस्केड तैयार होता है और ऑक्सीटोसिन नाम का एक जो द्रव है वो शरीर में ब्लड में आता है। ऑक्सीटोसिन के कारण गर्भ की जो थैली होती है, यूट्रस जो होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने की जो शक्यता रहती है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण कम होती है, और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्यूरपेरियम पीरियड में यूट्रस को इन्वोल्यूशन में मदद मिलती है, यानी यूट्रस का साइज जो 26 वीक्स का हो जाता है आफ्टर डिलीवरी उसको नॉर्मल साइज में आने को 1.5 महीना लगता है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग उसमें काफी मदद करता है। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माताओं को जब हम 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलते हैं तो माताओं का जो वजन बढ़ा हुआ होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसको शट डाउन करने में भी काफी मदद मिलती है। कुछ कैंसर भी माताओं में कम देखा जाए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब की शक्यता माताओं में कम रहती है। मैं और एक पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो यूजुअली माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, बट सीजर डिलीवरी होने के बाद वो 1-2 दिन तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो ये 2-3 दिन में जो बच्चे को आने वाला गाढ़ा दूध होता है जिसको हम मेडिकल भाषा में कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो शिशु के लिए भरपूर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये माताओं के साथ में जो माँ रहती है, ससुराल वाले लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे को ऊपर का फॉर्मूला का फीड देना चाहिए क्योंकि माँ को दूध नहीं आ रहा है,
तो आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे डॉक्टर साहब? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें समझने वाली बात यह है कि बच्चे का रिक्वायरमेंट पहले दिन कितना होता है, थर्ड दिन कितना होता है, सेवंथ डे पे कितना होता है। हमें हमेशा डर रहता है कि बच्चे को दूध अगर कम मिल जाए तो क्या उसमें शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, उसमें उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, उसका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, उसको पेशाब कम हो जाना होना शुरू हो जाएगा, ऐसे मन में डाउट होते हैं। और हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल क्वांटिटी में कम होता है, ठीक होता है, लेकिन ये आप ये सभी लोग जानिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भले ही 1 ml से 3 ml होती है एक एक्सप्रेशन में, लेकिन बच्चे की पेट का साइज होता है छोटे कंचे की इतना पहले। ये जो साइज है उसमें माता को जितना दूध आ रहा है वो सफिशियंट है, इसलिए बच्चा पहले 2 दिन बार बार दूध पीता है ताकि उस छोटे छोटे पेट में जितना मिल्क मिले वो उसको सफिशियंट हो, और बार बार बच्चे उसको पीता रहे ताकि उसका स्मॉल साइज उसको ओवरकम कर सके। तो ये पहले 2-3 दिन अगर हम ऊपर का दूध देते हैं उसमें जो बेनिफिट होता है कोलेस्ट्रॉल का वो बिल्कुल नील हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का बेनिफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वैक्सीन शॉट बोलते हैं इसको। इसमें जितने भी माँ के अंदर इम्यूनिटी है वो माँ अपने दूध के द्वारे बच्चे को देना चाहती है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को आगे जाके ये सारे काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, ये वैक्सीन शॉट की तरह है। अगर इसको आप नहीं देते हैं तो आप अपने बच्चे को मिस करा रहे हैं एक वैक्सीन से, ऐसे समझिए। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डिलीवरी के कितने देर के बाद बच्चे को दूध पिलाना चालू करना चाहिए? हाँ, कुछ कुछ माताएं विलंब करती है, तो क्या ये सही है? कितने जल्दी चालू कर सकते हैं माताओं को, माता अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए? आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। जी, तो देखिए, बच्चा जैसे पैदा होता है रोता है, रोने का मतलब होता है पहली सांस लेना, जोर से सांस लेना, उसके बाद बच्चा बहुत एक्टिव रहता है। ये एक्टिव बच्चे को हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए और बच्चे को जल्द से जल्द बच्चे को माँ के स्तन के ऊपर रखना चाहिए। इसको हम मेडिकल भाषा में ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं, आपको जानकारी जान के हैरानी होगी, ब्रेस्ट क्रॉल, बच्चा क्रॉल करना मतलब शुरू कर देता है। ये क्रॉलिंग और ये 9 महीने 10 महीने में जो क्रॉलिंग आती है, बच्चे के 9 महीने 10 महीने में जो क्रॉलिंग आती है वो अलग है, ये इसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट क्रॉल, मतलब बच्चा खुद ढूंढता है उसकी कहाँ उसको फीड मिलने वाला है। तो जैसे बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है उसको सारी सेंसेस से, मतलब माँ के स्मेल से, माँ की आवाज से, माँ के स्किन टच से वो ये मतलब यूज टू रहता है। जब बच्चा माँ के स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में आता है तब उसको एक राहत मिलती है, उसको एक सिक्योरिटी मिलती है कि उसको अभी जो मिल्क मिलना चाहिए, जो दूध मिलना चाहिए वो उसको मिलने वाला है। और उसके हाथों पे जो एमनियोटिक फ्लूइड का स्मेल आया हुआ है वो उसको मद्देनजर रखते हुए क्रॉल करने की कोशिश करता है, और उसको अगर माताएं सपोर्ट करे, उसको उसके बॉडी को सपोर्ट करे, या फिर हम लोग भी एज ए हेल्थ केयर वर्कर उसको सपोर्ट करे, तो बच्चा खुद म खुद ब्रेस्ट के निप्पल तक पहुंच जाता है और उससे सकिंग करना शुरू करता है। तो मैं तो बोलूंगा कि बच्चे को तुरंत जितने जल्दी हो सके उसको फीडिंग शुरू करे, जिसकी वजह से उसका ग्लूकोज मेंटेनेंस, टेम्परेचर नॉर्मलाइजेशन, रेस्पिरेटरी कामनेस, हिमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मतलब बीपी, सब चीजें नॉर्मल जल्दी से जल्दी हो जाना, और ठंडे होने के मतलब बच्चा ठंडा हो जाए, ये सब चीजों से प्रिवेंशन उसको मिल जाता है। तो जल्द से जल्द मुझे लगता है विदिन एन हाफ एन आवर मुझे लगता है देना चाहिए। मुझे लगता है हमारी माताओं को तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि उन्हें दूध पिलाना चालू करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, डिलीवरी के तुरंत बाद वो फीडिंग चालू कर सकते। अभी एक हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कितने बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैली है। ऐसा बोलते हैं कि हर 1-1.5 घंटे में दूध पिलाए, उठा उठा के दूध पिलाए, है ना। पहले आप समझिए, पहले दिन बच्चे का पेट का साइज रहता है छोटा, 7 दिन के बाद उसके बच्चे का साइज हो जाता है थोड़ा सा डबल, उससे डबल मतलब एक अराउंड लेमन के साइज का। उसके बाद 10 डेज के बाद हो जाता है, 10 to 15 डेज के बाद हो जाता है और बड़ा, टेनिस एक गोल्फ बॉल इतना, और 1 महीने में उसका पेट का साइज होता है अराउंड एक टेनिस बॉल इतना। तो बच्चा पहले 2-3 दिन तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली फीड करने वाला है, इसका मतलब ये है कि बच्चा 15 मिनट में भी फिट कर सकता है और बच्चा आराम से 1-1.5 घंटे के बाद भी फिट कर सकता है। इसको हम बोलेंगे डिमांड फीडिंग, मतलब बच्चे ने डिमांड दिखाई
क्या डिमांड दिखाएगा, बच्चा इधर उधर देखने लगेगा, बच्चा अपने ही हाथ चूसने लगेगा, सक करने लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा। अगर ये सब चीजें उसको इसके इस ये अगर दिखा दर्शा रहा है और उसको दूध नहीं मिल रहा है तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। तो रोना एक लेट साइन हो जाती है, और ये जो मैंने आपको बताया इधर उधर देखना, अपने हाथों को चूसना, ये अर्ली साइन होता है। तो अगर ये बच्चा दर्शा रहा है उसको उसको फीड करना शुरू कर देना चाहिए, भले ही वो 15 मिनट रहे, 1.5 घंटा रहे या 2 घंटा। अच्छा, ये बोलने के बावजूद मैं आपको एक एक नसीहत देना चाहता हूँ कि कितना मैक्सिमम तक हम लोग वेट कर सकते हैं कि बच्चा 2 घंटा दूध नहीं पी रहा है, 3 घंटा दूध नहीं पी रहा है, 3.5 घंटा हो गया दूध नहीं पी रहा है। तो हम लोग एटलीस्ट मतलब 3-4 घंटे तक वेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ने 3-3.5 घंटे के बाद उठने के बाद दूध अच्छे से पीना चाहिए। अगर उसने तब भी दूध कम पिया इसका मतलब बच्चे में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, और उसको आपको पीडियाट्रिशियन या फिर आपके डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे फॉर्मूला फीड पे होते हैं उनका वजन जल्दी जल्दी बढ़ता है, और माँ के दूध पर होने वाला उन बच्चों पे वजन थोड़ा सा कम बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या ये बच्चे के लिए ठीक है कि उसका वजन कम बढ़े माँ के दूध पे रहे, और फॉर्मूला फीड पे जो बच्चे ज्यादा वजन बढ़ रहा है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा तो नहीं है? तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और ये तभी उठता है माँ के मन में जब वो कंपैरिजन करती है अपने से, जब वो अपना दूध पिलाती रहती है और कोई दूसरी माँ किसी अपने बच्चे को फॉर्मूला फिट कराती रहती है, ऐसा लगता है कि उसका बच्चा तो अच्छे से बढ़ रहा है, उसका वजन तो अच्छा बढ़ रहा है, मेरा बच्चा देखो कितना पतला दिखता है, उसका बच्चा देखो कितना मोटा दिखता है। ये जो मोटा होने की मतलब बच्चे को मोटा करने की जो तैयारी रहती है ना माँ के मन में, ये पहले से उसके अंदर रहती है, जो कि मुझे लगता है कि काफी हद तक गलत है। आपको अपना बच्चा मोटा नहीं बनाना है, आपको अपना बच्चा स्वस्थ बनाना है। स्वस्थ लोग और मोटे लोग में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो इसका बहुत ही सरल तरीका है, होता है जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, वो आपके बच्चे का ग्रोथ एक ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करेगा। वो ग्रोथ चार्ट आपके बच्चे के बर्थ वेट के हिसाब से रहते हैं, उसमें 3-4 लाइन्स रहते हैं, आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो है, 3 किलो है, 3.5 किलो है, 4 किलो है, उस हिसाब से वो लाइन्स बने रहते हैं। अगर अपने बच्चे का वजन उस लाइन के आसपास चल रहा है और आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, इसका मतलब आपने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। लेकिन अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीड पे है और उसका वजन उस लाइंस के ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसमें चांसेस है कि आगे जाके मोटापा हो जाना। तो मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि आप उसी लाइन पे रहें और लाइन के ऊपर नीचे ना जाएं। आप ये मत सोचिए कि उस बच्चा इतना मोटा हो, मेरा बच्चा इतना पतला हो गया, ये सब चीजें गलत है। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से समझा के बताया कि कोई मोटा बच्चा ही हेल्दी नहीं होता है, वो अपने हिसाब से अपना वजन बरोबर ग्रोथ चार्ट के हिसाब से अगर बढ़ रहा है तो माताओं को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब और माताएं और माताओं की माताएं भी बहुत सारे सवाल लेके आती हैं हमारे पास। उनका कहना रहता है कि एक बार में दोनों भी स्तनों का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, बच्चे को खाना और पानी सब कुछ उसमें से मिल जाता है। तो क्या ये सही है कि दोनों स्तनों का दूध हर बार पिलाना चाहिए? तो जो बोलते हैं कि एक साइड से पानी आता है दूसरी साइड से खाना आता है, इसकी धारणा आप समझिए ये सब चीजें क्यों बनी है। जब बच्चा एक साइड, जब पुराने काल में जब लोगों ने देखा है कि एक साइड से दूध गाढ़ा आता है और दूसरी साइड से दूध पतला आता है, एक्चुअली जो गाढ़ा दूध आपने देखा है उसमें बच्चे ने पहले से फिट करके रखा हुआ था। इसीलिए जो मदर ने देखा एक्सप्रेस करके वो था हाइंड मिल्क। मतलब सरल भाषा में बोलूंगा मैं, जब भी कोई स्तन से दूध आता है स्टार्टिंग में वो होता है फोर मिल्क, और जब थोड़ा 10-15 मिनट के बाद जब बच्चे को मिल रहा होता है वो होता है हाइंड मिल्क, जो कि गाढ़ा होता है। तो बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क ये दोनों चीज मिलना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए फोर मिल्क जो पतला होता है, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, और जो हाइंड मिल्क होता है जो पीछे पीछे दूध आने वाला रहता है वो फैट कंटेंट में ज्यादा होता है। तो बच्चा जब भी दूध पीता है तो उसको फोर मिल्क भी मिलना चाहिए और हाइंड मिल्क भी मिलना चाहिए। तो मतलब उसकी भूख भी मिटनी चाहिए और उसकी प्यास भी मिटनी चाहिए। जब ये करते हैं कि हम इधर से थोड़ा सा दूध पिला दिए और दूसरी साइड से थोड़ा दूध पिला दिए, तो बच्चे को क्या मिल रहा है? सिर्फ वाटर एंड प्रोटीन एंड शुगर। तो उसकी वजह से बच्चे में क्या ग्रोथ ठीक से नहीं होती है, बच्चे को बार बार लैटरिन होती है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स बोलते हैं।
लेकिन अगर बच्चा पूरी तरह एक साइड से पूरा दूध पी रहे, मतलब हमने 15-20 मिनट तक एक ही साइड से दूध पिलाए, तो बच्चे का पेट भी भरने वाला है और प्यास भी बुझने वाली है, तो ऐसा होता है। तो दोनों साइड से फीड नहीं कराना चाहिए एक टाइम पे एक ही साइड से फीड कराना चाहिए, जब तक बच्चा रिलैक्स हो जाए और शांत हो जाए तब तक एक ही साइड से दूध पिलाना चाहिए। अभी हम लोग प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, तो कुछ माओ का ये अंदाजन होता है कि तुम्हारे हमारे बच्चे को दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, उसको फॉर्मूला फीड चालू कर दे, तो माँ ये कैसे जाने कि दूध बच्चे को पूरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा मेडिकल लिटरेचर की तरफ वाला भी क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें मैं आपको एक आंसर दूंगा। एक हम भी देखिए, अगर हम भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो एक ही चीज अच्छे से होती है जो कि है यूरिन आउटपुट। अगर बच्चा पूरे 24 घंटे में 6-8 टाइम्स के ऊपर यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब यूरिन कहाँ से आने वाली है? बच्चा जब दूध ठीक से पीने पिएगा तभी वो यूरिन आने वाली है। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है बच्चे ने पेशाब कैसे प्रोड्यूस करे। तो अगर बच्चा पूरे 24 मतलब आज सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक बच्चे ने अगर 6-8 बार नैपिया गीली किया हुआ है, इसके लिए आपको नैपी यूज करना पड़ेगा, डायपर यूज करना नहीं पड़ेगा। तो नैपी अगर आपने 6-8 बार चेंज किया हुआ है, इसका मतलब बच्चे को दूध ठीक से मिल रहा है। दूसरी बात, बच्चा अगर दिन में लैट्रीन पहले 2-3 दिन में अगर बच्चे ने लैट्रीन एक दिन में एक बार भी किया तो भी सफिशिएंट है। जब बच्चे को दूध ठीक से मिलते रहता है तब वो दिन में 2 बार मतलब 3 दिन के बाद दिन में 2 बार, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद बच्चा दिन में 3 बार अगर इतनी लैटरिन पास कर रहा है, इसका मतलब उसको दूध ठीक से मिल रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब बच्चा पैदा होता है तब उसका वजन धीरे धीरे पहले कम होता है 3-7 दिन में, और उसके बाद उसका वजन 10वें दिन पे जितना बर्थ पे है उतना हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, बच्चे का वजन सपोज 3 किलो है और उसका वजन 10वें दिन पे उसका वजन 2.7 किलो ही है, तो इसका मतलब उसको दूध ठीक से नहीं मिल रहा है। ऐसे इसमें आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना है, तरीके सीखने हैं बच्चे में क्या गलती है, आपके दूध में कमी है कि बच्चा ठीक से दूध नहीं पीता है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है और वैसे हमें एक्ट करना है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, हमारे लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे को अगर बरोबर फीड मिल रहा है तो कम से कम 1-2 घंटा आराम से नींद लेके फिर उठता, फ्रेश होता है और फिर से फिर वो डिमांड करता है दूध की। दूसरी बात, मैं ये डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ये मल्टीविटामिन, कैल्शियम के सिरप, कुछ ड्रॉप्स बच्चों को एडवाइस करते हैं, तो क्या सब बच्चों को कंपल्सरीली मल्टीविटामिन कैल्शियम के ड्रॉप्स देना चाहिए? देखिए, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि माँ का दूध अमृत है, अभी अमृत के ऊपर और क्या चाहिए रहता है? कुछ भी नहीं, कोई मल्टीविटामिन कोई कैल्शियम की जरूरत नहीं होती। माँ के दूध में जो भी विटामिन है बच्चे को जो मिलने वाले हैं उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। मतलब इनकेस अगर किसी माताओं का बच्चा थोड़ा वजन से कम है, 2 किलो के आसपास है, 2 किलो 200 ग्राम के आसपास है, तब भी उनके दूध में इतनी पावर होती है कि उसके वो जो विटामिन डिफिशियंसी ओवरकम कर पाए। तो ऊपर से मेडिसिन देने में बच्चे को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, कैल्शियम जो बायो हम टर्म यूज करते हैं बायो अवेलेबल, मतलब कितना बच्चे के पेट के अंदर कैल्शियम गया और बच्चे ने कितना एब्जॉर्ब किया, माँ के दूध में की बायो अवेलेबिलिटी कैल्शियम के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो आप अगर ऊपर से कैल्शियम ऐड करेंगे तो वो कुछ एब्जॉर्ब वगैरह इतना कुछ ज्यादा होने वाला नहीं और कुछ फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, विटामिन डी, ये विटामिन डी की मात्रा माँ के दूध में होती है लेकिन वो थोड़े कम मात्रा में होती है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ विटामिन डी के ड्रॉप से एडवाइस करते हैं। उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप दिन में एटलीस्ट 20-25 मिनट्स सन बात कराएं। अगर आप ये नियमित रूप से कराते हैं तो आपको विटामिन डी ड्रॉप्स की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो माँ का स्तनपान बच्चे के लिए ओवरऑल सफिशियंट होता है, उसको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ एक पार्टी है कि बच्चों को तेल लगा के मालिश किया जाता है, उनको थोड़ी देर धूप में रखा जाता है, उसके बाद उनको नहलाया जाता है। मेरे ख्याल से इसके पीछे विटामिन डी वाला फंडामेंटल इसके पीछे होगा, सो दैट ये प्रैक्टिस हम काफी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि काफी इसमें काफी साइंस है जो हम साइंस जानते नहीं है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के पीछे जाते हैं। तो कुछ कुछ प्रैक्टिस बहुत अच्छे होते हैं,
देखो तेल लगाने में ना, ये तेल एक्चुअली ना मालिश वाली बाइक बुला के लगाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये तेल लगाने में बच्चे का स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एक होना चाहिए, जो माँ की, माँ के साथ होना चाहिए, और एक तरीके से उसको मालिश करना चाहिए। मतलब जो घिस घिस के करते हैं उससे बच्चे का मसल बन जाए, या फिर स्किन टाइट हो जाए, या फिर ऐसा कुछ, मतलब स्किन थिक हो जाए, ऐसे कुछ चीजें होने वाली है नहीं। लेकिन बच्चे को इससे परेशानी जरूर होती है, किसी को अगर खींच खींच के मालिश कर रहे हैं तो उसको क्या पसंद आने वाला है। वो रोते भी रहता है लेकिन फिर भी चले रहते हैं, करते रहते हैं, इधर खींचो उधर खींचो, उल्टा पकड़ो, गर्दन पकड़ के खिलाते रहते हैं, कभी उल्टा कर लेते हैं, किसको पसंद आने वाला है ये सब चीजें। एक अच्छी अंगाई गीत, मराठी में बोलते हैं अंगाई गीत, गा के आप बच्चे से इंटरेक्ट करो। बच्चे को मालिश लगाते हैं, उसको स्किन में एक ही स्ट्रोक, एक ही तरीके, एक ही लेयर में स्ट्रोक मारिए, ताकि उसको अच्छा लगे, सेफ लगे, डर ना लगे, उसको एंजॉयमेंट मिले। और साथ साथ में तेल में जो कि फैट रहता है, वो बच्चे के स्किन को मॉइस्चर, मतलब मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और ये स्किन बात तो, मतलब सन बात तो होना ही चाहिए, विटामिन डी की जो डिफिशियंसी काफी प्रिवेलेंट हो रही है वो तो ओवरकम होनी चाहिए, तो माताओं के लिए भी अच्छा है। मतलब माँ भी अगर धूप में बैठेगी तो उसको भी विटामिन डी मिलने वाला है और बच्चे को विटामिन डी मिलने वाला है। नहीं, जो माताएं ये प्रश्न लेके आती हैं कि बच्चों को दिया जाए कि नहीं मल्टीविटामिन, मैं उनको एक सिंपल वर्ड, माताओं को पूर्ण जो भी सप्लीमेंट्स है हम माताओं को देते हैं, सो दैट उसके दूध में आ जाए वो और दूध से बच्चे में पहुंच जाए। क्योंकि हमारी जो माताएं हैं वो न्यूट्रिशन बरोबर से लेती नहीं है, दाल का पानी लेगी, सिर्फ रोटी खाएगी, जो हम कहते हैं बैलेंस डाइट मिलना चाहिए मदर को वो मिलता नहीं है। तो इसलिए जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसी आती है, माताएं आती है, हम उनको जो बिकॉज मदर्स जो है वो कैल्शियम आयरन इसमें डेफिशिएंट हो जाती है, बिकॉज पूरे एएनसी पीरियड में डिलीवरी के बाद खून की भी कमी बहुत माताओं में हो जाती है। तो हमारे नॉर्मली हम हर माताओं को 3 महीने तक सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सप्लीमेंटेशन, सो दैट बच्चे को दूध में पूरा। दूसरी बात, हम लोग उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए इसी बात पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैडम, फॉलोअप क्वेश्चन है ये कि माताएं जैसे, मतलब जैसे गर्भवती माताएं डिलीवरी हो जाती है उनकी, तो उनके कान में रुई डाल देते हैं, पूरा एकदम ऐसे लपेट के रख देते हैं, और उनको कुछ ऐसे, मतलब खाना ऐसे देते हैं जैसे कुछ, मतलब उसमें कुछ ना टेस्ट रहे ना कुछ रहे, डर इसी बात का रहता है। माता की चिंता तो नहीं रहती है, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि उसके मिल्क में से बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, इसमें आप ऐसा प्रकाश डाली मैडम। ये तो बहुत ही गलत बात है कि माताओं को डाइट बरोबर से दिया जाता नहीं है। माता का जब डिलीवरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, उस टाइम में बच्चे को फीड कराना होता है। जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट मदर की जब बच्चा पेट में होता है उस समय नहीं रहती है, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है डिलीवरी के बाद जब बच्चे को फीड करा रही होती है। इसलिए माताओं का बैलेंस डाइट लेना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो हर पेशेंट को या फिर जो भी एडवाइस पूछता है उसे मैं बताती हूँ कि हर दाल रोटी सब जो बैलेंस डाइट है, यानी ऐसे कोई भी चीजें नहीं है जो रिस्ट्रिक्टेड है। माता को पूरे फल खाने को मिलने चाहिए, सब सब्जी भाजी मिलनी चाहिए, साथ में हम लोग आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, दूध पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, अंडे खाना चाहिए, जो नॉन वेज खाती है उन्हें नॉन वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए, हर बात उनको समझा के हम लोग बताते हैं। बट माताओं की माताएं उन्हें जरा ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती है और वो घर में जाके हमारी एडवाइस कुछ इग्नोर कर लेती है। तो मैं उन माताओं को भी बताना चाहूंगी, अगर वो जुड़ी हुई हैं और अगर वो हमारी बातें सुन रही है, तो कृपया कर माताओं को भूखा ना रखें, उन्हें पूरा डाइट बैलेंस डाइट, बच्चा भी हेल्दी रहेगा और माँ भी हेल्दी रहेगी। और माँ ने अगर अच्छा खाना खाया तो माँ का पेट निकलने की, जो इनको पेट बड़ा हो जाएगा ये एक उनके दिमाग में शंका रहती है, ये बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे बच्चा फीड करेगा वैसे वैसे मदर का वेट भी शट डाउन होगा और बैलेंस डाइट लेगी तो बच्चा हेल्दी भी रहेगा और उसको हॉस्पिटल लेके जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। वेट लॉस काफी ज्यादा, मतलब रैपिडली ड्रॉप होता है एज कम्पेयर टू जो मदर टॉप फीड कराती है। नहीं कहा तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक पेशेंट का एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि ये जो बच्चे की दस्त करने की जो पैटर्न होता है, स्टूल का स्टूलिंग पैटर्न, वो नॉर्मल किसको बोला जाए? जी, तो ये मेरे बहुत सारे पेशेंट जो पेरेंट्स आते हैं उनका रात में भी फोन आता है, दिन में भी कोई फोन आता है कि बच्चा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लैटरिंग करे जाता है,
दूध पीता है लैटरिन करता है, कुछ थोड़ा सा अंगड़ाई लेता है तो लैटरिन कर देता है, क्या माँ के खाने में कुछ तो नहीं आ गया, क्या माँ के खाने में हम कुछ तीखा कम कर दे या फिर कुछ और कम कर दे जिसकी वजह से बच्चे को सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर उनका ना बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, इसमें इस पे हमने लास्ट अभी थोड़ा थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। देखिए जो माता है ना फीडिंग दोनों साइड से कराती है, मतलब वो राइट और लेफ्ट साइड से एक ही टाइम पे कराना चाहती है, थोड़ा थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, तो उनको क्या हो रहा है, उनको फोर मिल्क ही मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बच्चे को वाटर और प्रोटीन ही मिल रहा है और शुगर मिल रहा है, तो इसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है उनको। तो उनको बार बार लैटरिंग करना, छोटी थोड़ी थोड़ा सा भी बच्चा हिला डुला थोड़ा छीका या फिर बच्चे ने फीड भी किया तो वो बच्चा लैटरिंग कर देता है। तो ऐसे इसमें बच्चा 10 बार भी कर सकता है, 12 बार भी कर सकता है। तो इसमें कोई प्रोबायोटिक देना या फिर एंटीबायोटिक देना या फिर कुछ और मेडिसिन देना जिसकी वजह से लैटरिन कम हो जाए बिल्कुल करने की जरूरत नहीं होती, अगर बच्चे के वजन अच्छे से बढ़ रहा है तो। और अपने को सावधानी ये बरतनी है कि एक टाइम पे एक ही साइड से फीड कीजिए ताकि उसको फोर मिल्क और हैंड मिल्क दोनों मिले। ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि नॉर्मल पैटर्न क्या होता है। नॉर्मल पैटर्न जब बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, मतलब 15-20 मिनट तक दूध पी के अच्छे से आराम से बच्चा सो जाता है, आराम से सो जाता है और हर 2-3 घंटे 2-2.5-3 घंटे में उठता है दूध पीता है और उसका वजन नियमित रूप से बढ़ रहा है, तो बच्चा 3 दिन के बाद दिन भर में 2 या 3 बार लैटरिन करेगा। कभी कभी ऐसे भी दिन होते हैं जब बच्चा, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ जब बच्चा 15-20 डेज के ऊपर होता है, कभी कभी ऐसे भी दिन होते हैं कि बच्चे ने एक दो दिन लैटरिन ना करे, तो ये भी नॉर्मल बात है, इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं। और कुछ कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिसमें बच्चा काफी बार बार लैटरिन करे, जैसे आप समझो अगर बच्चा, अगर सर्दी का मौसम है तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा दूध पिएगा सो जाएगा, थोड़ा दूध पिएगा, उसको सिर्फ मतलब उसको थोड़ा सा दूध चाहिए रहता है लेकिन उसको क्या मिल रहा है, 4 मिल्क ही मिल रहा है, तो इसलिए बच्चा लैटरिन बार बार करता है। तो इसमें कोई एंटीबायोटिक प्रोबायोटिक या फिर कुछ मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है, पेशाब बच्चा 6-8 बार कर रहा है, लैटरिन 3-4 बार कर रहा है या फिर 2-3 दिन में एक बार कर रहा है, ये सारी चीजें नॉर्मल होती है, इसमें कोई मेडिसिन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भी अपनी माताओं को यही समझाते हैं कि शुरुआत के दिनों में कभी कभी वो माताएं कंप्लेंट कर रही है कि 8 से 10 बार वो बच्चा लैटरिन कर रहा है, तो उनको वही हम फीडिंग पैटर्न के बारे में समझा के बताते हैं कि वो एक फीड पूरा अच्छे से बच्चे को दे सो दैट बेबी को 4 मिल्क हैंड मिल्क दो। अभी मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि किस पोजीशन में माता ने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, बैठ कर पिलाना चाहिए या फिर लेट के सोते हुए बच्चे को लेकर पिलाना चाहिए, इस पर आप कुछ प्रकाश डाल। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जनरली देखा जाता है कि माताओं को बोलते हैं नहीं तू बैठ के दूध पिला, तू लेट के दूध पिलाएगी तो बच्चे के फेफड़ों में चले जाएगा, उनको खांसी आने लग जाएगी, शुरू हो जाएगी, और माताएं जनरली फिर ये बात सुन के हमेशा स्ट्रेस में रहती है कि उसको मिडिल ऑफ द नाइट में उठा के उसको बैठ रही है और फिर दूध पिला रही है, ऐसा उसको बार बार करना पड़ता है, इसकी वजह से वो बहुत त्रस्त हो जाती है, बहुत पेन में रहती है, बैक पेन होता है। तो देखिए आप कैसे भी किए, मतलब आप खड़े होके पिलाइए, बैठ के पिलाइए या फिर लेट के पिलाइए, बच्चे का पोजीशन कैसे रहने वाला है, सुपाइन मतलब लाइंग ऑन द बैक, मतलब वो पीठ के बल पे रह के ही दूध पीने वाला है। तो आप कंफर्टेबल जिसमें है, जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है, बैठ के या फिर थोड़ा सा मतलब पीछे टेका लगा, मतलब टेक के या फिर थोड़ा सा लेट के आप, और या फिर साइड में लेट के, या फिर आपको खड़े होके पिलाना है तो खड़े होके पिलाइए, आप जिस पोजीशन में आप कंफर्ट, माताएं जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं उस पोजीशन में आपने फीड कराना चाहिए। इसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि बच्चे के सांस नलिके में कुछ चले जाए, मतलब दूध चले जाएगा या फिर कुछ चले जाएगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको पेन कंटिन्यूसली हो रहा है तो आपका मिल्क धीरे धीरे कम भी होता है। पेन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लो मिल्क सप्लाई, किसी पेनफुल प्रोसीजर पेनफुल इससे रिलेटेड था कि बच्चे दूध बढ़ाने के उपाय क्या है, माँ के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि उसने दूध उससे बढ़े और बच्चे को एडिक्वेट मिल्क सप्लाई मिले। जी, तो पहले तो हमें ये बिल्कुल कंफर्म कराना है कि बच्चे को, मतलब माताओं के मन में ये क्वेश्चंस क्यों आया है कि उनको दूध की कमी है, क्या उनको सही में दूध की कमी है, क्या उनको सिर्फ लग रहा है कि दूध की कमी है। 90% तो इसका आंसर यही रहता है कि उनको लगता है दूध की कमी है,
लेकिन मतलब बच्चे को जो उसका विकास जो हो रहा है, मतलब उनका शारीरिक ग्रोथ जो हो रहा है, हम लोग जैसे बात किए थे कि ग्रोथ चार्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्लॉट करते हैं, उनका ग्रोथ वैसे चलता रहता है, लेकिन माता को लगता है कि उनका दूध कम है। ऊपर से अगर किसी ने बोल दिया आजू बाजू में कि यार ये तो बार बार रोता है, इसका आप तेरा दूध ही कम हो गया है, तो वो तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ही कम होके फिर वो डाउन साइकिल शुरू हो जाती है कि नहीं मेरा दूध कम है, उसको ऊपर का दूध दे दूं मैं, आज एक बार देंगे कल दो बार देंगे, फिर धीरे धीरे करके वो डायरेक्टली कंप्लीटली ऊपर के दूध पर जाता है। लेकिन यही पे हमें सीखना है कि दूध हमारा ठीक है क्या नहीं, ये इंडिकेटर्स होते हैं जो मैंने आपको इसके पहले समझाया। लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि दूध कम आता है और बच्चे का जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो रही है, तो इसका आंसर आप सिंपल भाषा में समझिए, डिमांड एंड सप्लाई। जितना सप्लाई होगा, जितना सॉरी जितना डिमांड होगा, जितना बच्चा बार बार दूध पीने वाला है उतना आपको दूध बढ़ने वाला है। एक फेजेस होती है, 3 डे टू 5 डेज में दूध बहुत बढ़ता है जब ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके बाद दूध कम होना मतलब दूध एक नॉर्मल जितना बच्चे को जरूरत है उतना ही बनना शुरू होता है, जिसको कैलिब्रेशन फेज बोलते हैं। जैसे हम बाहर से आए, हमने देखा कि फैन की स्पीड हमें बहुत ज्यादा चाहिए, वैसे बच्चा जैसे आता है पहले कम स्पीड पे दूध आता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा आता है जिसको एंगॉर्जमेंट फेज बोलते हैं, उसके बाद कैलिब्रेशन फेज बोलते हैं। उसमें दूध आता है नॉर्मली लेकिन मदर को सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उनको लगता है कि उनको दूध कम आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे फिर हम माता को बोलते हैं कि आप बार बार एक्सप्रेस कीजिए, बच्चा दूध पीने के बाद भी एक्सप्रेस कीजिए, और इसमें आपको अगले 3 4 दिन 5 दिन में आपको इफेक्ट शुरू लगने मिल जाता है कि आपको दूध बढ़ जाता है। अगर ये सब चीजें करने से भी आपको दूध नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है कि दूध कम है और बच्चे का ग्रोथ है कम हो रही है, तो देन सेकेंड स्टेप होता है कि हम गैलेक्टोस मेडिसिन पे जाए, कुछ मेडिसिन जो ऑब्स्टेट्रिशियन उनको रिकमेंड करेंगे उस पे जाए। देखिए मिल्क एक्सप्रेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 95% काम करने वाला है, जो मेडिसिन है वो 5-10% काम करने वाले। तो जितनी बार मिल्क एक्सप्रेस करेंगे, आइदर बच्चा मिल्क पिएगा या फिर आप मिल्क एक्सप्रेस करेंगे, उतना आपको दूध बढ़ने वाला है। हाँ, हमें माताओं को यही समझा के बताते हैं कि आप जितने ज्यादा बार बच्चे को दूध पिलाएंगे, जितने ज्यादा बार निपल स्टिमुलेशन होगा, उतना ज्यादा दूध और माता को आएगा। बहुत बार माताओं को थोड़े से प्रॉब्लम होती है, उन्हें दूध पिलाते वक्त दर्द होता है, कभी कभी निपल्स पे क्रैक आ जाया करते हैं, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये सब चीजें कभी कभी एनगॉर्जमेंट के कारण बहुत ही हार्ड ब्रेस्ट हो जाते हैं, सो बच्चा खींच नहीं पाता। तो हम माताओं को यही समझा के बताते हैं कि पहले तो क्रैक है, इनका अपने को इलाज करना है। दूसरी बात, अगर ये एनगॉर्जमेंट ज्यादा हो रही है, यानी ज्यादा टाइट हो जा रही है ब्रेस्ट, तो दूध निकाल के बाजू में रखना है और छाती नरम होने के बाद, ब्रेस्ट नरम होने के बाद बच्चे को दूध पे लगाना है, सो दैट बच्चा की ताकत जितनी है वो उससे खींच सके और दूध पी सके। डॉक्टर साहब, एक और मुझे प्रश्न याद आ रहा है कि कभी कभी सिक्रीशंस जो रहते हैं इनिशियल पीरियड में, वो व्हाइट या कलरलेस ना होते हुए ब्राउन कलर के होते हैं, तो ऐसे समय आप क्या एडवाइस करेंगे कि बच्चे को दूध वो पिलाना चाहिए कि रुकना चाहिए, कि उसमें आप क्या एडवाइस करेंगे? जी, तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रस्टी पाइप सिंड्रोम, मतलब मदर का जो मिल्क आ रहा है वो हल्का ग्रीन या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए माँ के स्तन में मिल्क एल्वियोलाई होते ही है और साथ साथ में उसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, तो जब ये मिल्क एल्वियोलाई एक्सपांड होते हैं तो जो वेसल्स उसके अराउंड होने हैं उसमें भी थोड़ा बहुत गैप्स आ जाती है, जिसकी वजह से जो मिल्क में है चेंज कलर उनका ब्राउनिश कलर में चेंज होता है। तो एक्चुअली ये मिल्क सिक्रीशंस ही हैं जो कि जिसमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, ये बिकॉज ऑफ मिल्क एंगॉर्जमेंट है, जो जो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट है जो कि धीरे 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 निकलने वाला है। आप इसको बार बार एक्सप्रेस कीजिए, ये 3 4 दिन में अपने आप ही कम हो जाए क्योंकि निकल जाने वाला है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, जब माताएं अपने बच्चों को ऐसा दूध पिलाती है तब बच्चा इनकेस कभी वोमिटिंग करता है तो ऐसा लगता है कि बच्चे ने खून की वोमिटिंग कर दी,
ऐसा तो इसकी वजह से क्या होता है, उनमें मन में धारणा आ जाती है कि मेरे मेरे मिल्क में कुछ तो भी खराबी आ गया, फिर मुझे किसी ने श्राप दे दिया, ऐसा भी आता है, ऐसे भी लोग सोचते हैं कि मुझे मुझे ऐसा होता है। लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। ये जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस आपको बताया था मैंने, ये एक एंगेजमेंट फेज आएगा, उसके बाद कैलिब्रेशन फेज आएगा, तो ऐसे जैसे जैसे ये फेज निकलते हैं वैसे वैसे ये कलर भी चेंज होते हैं और ये रस्टी पाइप सिंड्रोम आसानी से अपने आप निकल जाता है। इसमें कुछ बेबी को नहीं देना है ऐसा कुछ तर्क नहीं है। हाँ, क्योंकि पता ये है कि आती रेड कलर का मिल्क है तो बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, पर ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चे को पिलाया जा सकता है। दूसरी बात मैं ये पूछ रही हूँ कि बच्चा बार बार अगर दस्त करता है और दस्त का जो कलर है वो ग्रीन कलर का है, तो इससे अपन कुछ आइडिया आ सकती है क्या कि बच्चे को दूध कम पड़ रहा है या बच्चे की माँ के दूध में कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत सारी माताएं ये कंप्लेंट लेके आती कि बच्चा हरे रंग की संडास करता है, बार बार करता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम जैसे इसमें फोर मिल्क और हैंड मिल्क वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ बच्चों को काफी देर तक, मतलब एक महीना दो महीने तक भी उनको लैटरिन ये बार बार होती रहती है उनको, और उनका अगर आप वेट करेंगे मतलब वजन करेंगे तो उनका वेट बहुत रैपिडली बढ़ता रहता है। तो ऐसे मदर्स में ओवर लैक्टेशन एक टर्म होती है। ओवर लैक्टेशन का मतलब है कि उनके जो सेल्स है ब्रेस्ट में सेल्स है, दे आर ओवर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन एज वेल एज टू लैक्टिन, तो इनमें ओवर लैक्टेशन चांसेस ज्यादा है। और ये बच्चे जब जब भी दूध पीते हैं तो उनमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फोर मिल्क उनको मिलता है, तो जब ये ज्यादा फोर मिल्क मिलता है तो ये बार बार लैटरिन करना उनमें कॉमन है। तो ये सेटल कैसे होने वाला है, ये ओवर लैक्टेशन फेज ये कभी कभी दो महीने तक भी प्रोलॉन्ग हो सकती है और उसके बाद ये पैसिव हो जाएगी। ये मैंने अपने प्रैक्टिस में ये अब कंटिन्यूली अप टू फोर मंथ्स फाइव मंथ्स भी चीजें चल सकती है। इसको डायग्नोस करने का एक ही तरीका है, अगर बच्चे का ग्रोथ चार्ट पे वजन बहुत ही लाइन के क्रॉस हो रहा है, बहुत ही ऊपर ऊपर बढ़ रहा है जबकि बच्चा सिर्फ मदर फीड पे है, तभी हमें हमें ये कंडीशन डायग्नोस करनी चाहिए। और इसमें कभी कभी हमें बेबी को मदर को थोड़ा मिल्क कम करने के लिए भी हमें मेडिसिन देने की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा ये मेडिकल बातें हैं, ये हम डिटेल में जानेंगे आपको अपने पीडियाट्रिशियन या फिर गायनेकोलॉजिस्ट इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को बार बार छोटी छोटी लैटरिन हो रही है और उसको लैटरिन की जगह पे रैशेस होने लगी है और ये बार बार होता है, एक बार से तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है ये ओवरकम हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग रहती है तो इसमें हमें कभी कभी माताओं को मेडिसिन देने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें और एक बात बोलूंगा मैं, ऐसे माताओं अगर आप पूछेंगे तो वो हमेशा बोलते हैं कि उनके बच्चों को दूध पीते पीते ठसका लगता है, मराठी में बोलते हैं मतलब उनको पीते पीते उनको ठसका लगता है। तो ऐसे टाइम पे फिर थोड़ा सा मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं आ रहा ठसके का, लेकिन वो पीते पीते उनको ऐसा होता है। तो ये मोस्टली रैपिड मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स भी होता है इनमें और एक ओवर लैक्टेशन भी होता है। कुछ बच्चे इनिशियल पीरियड में दूध पीने के बाद उल्टी करते हैं जी, और कुछ माताओं को जो अपने बच्चे को फीड कराती है उसके बाद बर्पिंग वाली जो प्रोसेस है वो अवॉइड करते हैं, बर्पिंग का महत्व इनको समझा के बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए जब भी हम बड़े जब खाना खाते हैं तब हमारे मुंह से और पेट से कनेक्शन करने वाला एक पाइप होता है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस के लोअर एंड पे जंक्शन होता है जो कि इंटरमिटेंटली खुलता है बंद होता है। हमें जब खाना खाने के बाद जब बर्पिंग आती है तब हवा निकलती है, लेकिन बच्चों में ये जो नीचे वाला वॉल्व है वो पूरी तरह अच्छे से बना नहीं रहता है। थोड़ा भी बच्चे ने अच्छे से दूध पी लिया तो वो दूध बच्चा बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि उसको ज्यादा पेट भरने से आराम मिले। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, जो कि बहुत कॉमन है, हर दूसरे तीसरे बच्चे में ये कॉमन मिलता ही मिलता है। लेकिन इससे बच्चे के वजन में, वजन के जो ग्रोथ होती है उसमें कभी इसमें हैम्परिंग नहीं होती है। और ये जो वॉल्व है इसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ, जैसे बच्चा बड़ा होता है 6 महीने का 1 साल का, इसमें स्ट्रेंथ धीरे धीरे डेवलप होती है। तो ये जो वोमिटिंग होने की जो शिकायत है, ये वोमिटिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम पोसेटिंग बोलेंगे, और इसको हम कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं इसको करेंगे क्योंकि इसके बच्चे, इसमें बच्चे को नुकसान कुछ नहीं होता, इसका वजन ठीक से बढ़ता है। बर्पिंग, कभी बच्चा बर्पिंग कर सकता है कभी बच्चा बर्पिंग नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ बर्फ हमेशा बर्फ करे ही करे इसको हम इसलिए बच्चे को लेके घूमते रहे ये ठीक बात नहीं है।
बर्पिंग बच्चे में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ठीक है, उसमें कुछ हमें जबरदस्ती बच्चे को बर्प कराना ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी माता ये कंप्लेंट लेके आती है कि बच्चा एक तरफ से ज्यादा स्तनपान करता है और एक तरफ से नहीं, तो इसके लिए कुछ किया जा सकता है? तो देखिए इसे ये ना ये दो पैटर्न में मिलता है, एक मोस्टली जब बच्चा अराउंड 7-8 मंथ्स का हो जाए और दूसरा जब बच्चा 1.5-2 महीने का जब होता है, 1.5-2 महीने का नहीं, जब वो बच्चा 10-15 दिन 20 दिन का हो तब होता है। जब बच्चे को सेंस होने लगता है कि मदर के एक साइड का निप्पल ज्यादा इलास्टिक है और उसको दूध पीने में आसानी होती है, तब उसको ये धीरे धीरे समझ आती है और जो 1.5-2 महीने तक समझ जाता है कि वो इस साइड से मुझे दूध आसानी से मिलता है। देखिए हम सब लोग आलसी है, हमें जहां से चीज आसानी से मिलने वाली है वहां से हम करने हम वहां से वही चीज करने वाली है। तो बच्चे में वैसा है, जब बच्चे को समझ में आने लग गया कि एक साइड का जो मिल्क जो मिलता है उसकी निप्पल ज्यादा इलास्टिक है, उसको पकड़ने में बहुत आसानी होती है, तो वो चीज वो करने वाला है, एक साइड से दूध मिलने वाला है। लेकिन ये हमें डॉक्टर से जानकारी इसके बारे में मिलनी चाहिए कि बच्चे में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी हमने मेरे प्रैक्टिस में मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे में एक साइड में कैटरेक्ट है, वो माँ को एक साइड से देख नहीं पाता है इसलिए वो दूसरे साइड से फिट कर रहा है। कभी कभी डिलीवरी में शायद क्लेविकुलर फ्रैक्चर हो जाता है या फिर स्टर्नोक्युलर मैस्टॉइड ट्यूमर बोलते हैं, वैसा हो जाता है, उसको पेन होता है, तो इसलिए वो उस साइड में जब माता को उसके बारे में पता नहीं चलता, ये सटल होती है, ये डॉक्टर को कभी कभी पता नहीं चलता अनटिल अनलेस वो बहुत डिटेल में एग्जामिन करके देखे कि उसमें कुछ है कि प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो ऐसे टाइम पे भी वो पेन अवॉइड करने के लिए बच्चा एक साइड से फिट करता है। और तीसरी बात, कभी कभी ओवर लैक्टेशन वाले भी चीज रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था एक साइड से मिल्क बहुत ज्यादा रैपिडली फवारे से निकलता है, दूसरी साइड से कभी बहुत ही कम से निकलता है। बच्चे को समझ आता है कि अगर वो इस साइड से दूध पिएगा तो उसको ठसका, जो मराठी में बोल रहा हूँ मैं, वो कम लगने वाला है, दूसरी साइड से ज्यादा लगने वाला है, तो वो वाली सीड अवॉइड कर लेता है। और जब बच्चा 1 साल के आसपास रहता है तब भी वो ये चीज करने को देखता है कि वो एक साइड से दूध पिए दूसरी साइड से ना पिए। ये मोस्टली रिलेट होता है उसके मेंस्ट्रुएशन से, जब मदर को मेंस्ट्रुएशन आना शुरू हो जाता है तो मिल्क का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है, जो कि डिफरेंस होता है राइट और लेफ्ट में। ऐसा मतलब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन के बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको, कि एक साइड का मिल्क बच्चे को थोड़ा सा एबनॉर्मल टेस्ट कम लगती है इसलिए वो प्रीफर करता है, लेकिन जैसे 3-4 दिन हो जाते हैं जबकि जब मदर का मेंस्ट्रुएशन चला जाता है तब वो दोनों साइड से फिट करना शुरू कर देता है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक थ्योरी नहीं? चेंज ऑफ जैसे जब मेंस्ट्रुएशन होता है तब मिल्क बोलते हैं कि सार हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है, एक साइड का ज्यादा खट्टा होता है दूसरे साइड का कम खट्टा होता है, तो जो कम खट्टा होता है वो बच्चा प्रीफर करता है। बच्चे में भी है, अगर उसको ज्यादा खट्टा पसंद आता है दूध तो वो साइड का वो प्रीफर करता है, ऐसा भी होता है। नहीं, और सेम जो ये लॉजिक है इसमें भी लागू होता है, जब माताएं क्या करती हैं बच्चों को निप्पल से फॉर्मूला फीड बॉटल से पिलाने की कोशिश करती है, अगर बच्चे को कभी बॉटल से फीड करा दिया और उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीड के लिए लो तो बच्चा कभी कभी दूध ही नहीं पीता है। उसको वो समझ में आ जाता है कि वो बॉटल से फीड वो आसानी से पी सकता है, उसको कुछ भी ताकत लगाने की या फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें आसानी से दूध मिलना चालू हो जाता है, तो वो ब्रेस्ट फीड लेना बंद कर देता है। इसलिए मैं माताओं से बोलती हूँ कि कभी भी आप बॉटल फीड से और टिप्पल से आप दूध मत पिलाएं बच्चे को, वो आपका दूध पीना बंद कर देगा, क्योंकि बच्चे हमसे भी ज्यादा होशियार है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो इस बात में आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैडम कि जैसे अभी कोविड एरा अभी चल रहा है, अभी तक अभी भी दूसरी लहर अभी हम बोल रहे हैं कि खत्म हो रही है, लेकिन इस कोविड एरा में देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग के रेट पे काफी अफेक्ट हुआ है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को बिल्कुल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा आप हमें गाइड कीजिए मैडम कि ये कोविड एरा में जिस मदर को कोविड हो जाता है या फिर सस्पिशन होता है, तो ऐसे इसमें क्या करना चाहिए, मतलब बेबीज को कैसे ब्रेस्ट फीडिंग उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए? अभी जैसे ब्रेस्ट फीडिंग अपन बेबी को जब करते हैं, माँ करती है बच्चे को, तो उसने पूरे हाइजेनिक प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दिस इज नॉर्मल, यानी जब वो पेशेंट को कोविड भी नहीं हुआ है तब भी उन्होंने ये नॉर्मल जो हाइजेनिक प्रैक्टिसेस है ये फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि हाथ धोना, हाथ धो के ब्रेस्ट निपल्स धो के बच्चे को पिलाना चाहिए ऐसा कहा जाता है, वहां पे रेमिनेंट मिल्क वहां पे ना रहे,
कभी कभी माताएं वो क्रैक निपल के लिए आइंटमेंट वगैरह यूज करती है, तो उसके लिए भी धो के बच्चे को पिलाना चाहिए। दूसरी बात आ गई है कोविड की, तो हमने अभी प्रैक्टिसेस में देखा है कि माँ को अगर कोविड हो गया है तो उसको अलग रूम में रख देते हैं और बच्चे को बाहर रखते हैं अंटिल उसका आरटीपीसीआर रिपोर्ट ना आ जाए। पर अभी न्यू एविडेंस में ऐसा देखा गया है कि माँ का दूध बच्चे के लिए फुल्ली अमृत है, जैसे बोला जाता है अमृत है, तो माँ बच्चे को शिशु को माँ के दूध से वंचित नहीं रखना चाहिए। उसने प्रॉपर क्या कहते हैं कोविड प्रैक्टिसेस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करके बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अगर माँ को सर्दी खांसी है और उसने मास्क यूज करना चाहिए, जब बच्चे को दूध पिलाना है उस समय लैब पे लेके बच्चे को दूध पिलाएं और उसके बाद बच्चे को 2 मीटर की दूरी पे रखें। तो ये अगर माता को कोविड भी हुआ है, वो कोविड पॉजिटिव भी है, तो भी वो बच्चे को दूध पिला सकती है, बच्चे को माँ के दूध से वंचित नहीं रखना चाहिए। पर कभी कभी जब माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, वो आईसीयू में एडमिटेड है, वो कॉन्शियस नहीं है, निमोनिया हुआ हुआ है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुआ है, ऐसे समय माता बच्चे को फीड नहीं करा सकती है, तो असिस्टेंट कोई है तो वो बच्चे को फीड करा सकता है प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करके। पर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो माता का जो स्तनों का जो दूध है वो एक्सप्रेस करके, वो निकाल के ब्रेस्ट पंप से या मैनुअली निकाल के हाइजीनिकली बच्चे को कटोरी चम्मच से दिया जा सकता है। तो किसी भी परिस्थिति में बच्चे को माँ के दूध से वंचित नहीं रखना है, ऐसा डिक्टम है, जब तक जमे बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। तो बच्चे को भी एक्चुअली ऐसा एविडेंस भी बोलता है कि बच्चे को माँ की दूध से इम्यूनिटी तो मिलती ही है, जो ओवरऑल हमने डिस्कस किया, साथ साथ में कोविड एंटीबॉडीज भी मिल रहे हैं, मतलब बच्चा खुद होके बच्चे में पैसिव इम्यूनिटी आ रही है कोविड से इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ये भी ब्रेस्ट मिल्क में देखा गया है। और मैडम और एक क्वेश्चन आता है आजकल, जैसे वैक्सीनेशन का भी, जैसे सब लोग वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स, ब्रेस्टफीडिंग मदर्स ये बैकफुट पे रहती है कि मुझे फीवर आ जाएगा, वो बच्चे को मैं फिर फीड कर रही हूँ या फिर मैं फीड बंद करके वैक्सीन ले लूँ, तो इसके बारे में बताइए मैडम। हाँ, तो माताएं जब बच्चे को दूध पिला रही है तो वो सेफली वैक्सीन ले सकती है, ऐसे इससे दूध पे कोई परिणाम नहीं होने वाला है। हर पेशेंट को वैक्सीन के बाद फीवर नहीं आता है, अगर फीवर आता भी है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए और बच्चे को फीडिंग चालू रखा जाए। अनलेस अंटिल मदर इज, माँ एकदम क्रिटिकली बीमार है, तब तक बच्चे को दूध तो पिलाना है, वंचित नहीं रखना। इवन ऐसे बोलते हैं कि वैक्सीनेशन में, वैक्सीन के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन्स है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क में देखे गए हैं, जिसके वजह से बच्चे को अपनी एक्टिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी तो मिल ही रही है, ऊपर से अपनी एक्टिव इम्यूनिटी बनने का चांस है। कि अभी तक तो लिटरेचर आया नहीं कि बच्चों को वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए न्यू बॉर्न बेबीज को, लेकिन अगर बच्चे को एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी माँ के थ्रू मिल रही है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। और इसी कारण से बच्चा अतिसार जैसे बीमारियों, ओटाइटिस मीडिया जैसे बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहता है। सिमिलरली कोविड एंटीबॉडीज जो पैसिव एंटीबॉडीज बेबी को जा रहे हैं उससे भी बेबी को प्रोटेक्शन मिलता है। किसी को जो जॉइंट है कि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से? अलका मैडम आप कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं सर से? मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत डिटेल में माताओं के हर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को और कोई शंका होगी, और अगर कोई शंका होगी तो वो हमसे डायरेक्टली बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम लोग हमेशा तैयार हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। हृदय से धन्यवाद देती हूँ विसीकर सर का कि आज उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे प्रश्नों के उत्तर डिटेल में दिए। मीटिंग को एंड नैनो जीएस को जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे इंटरेक्ट करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर आपको कभी भी कुछ चिंता होती है, कुछ मन में क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग बुक भी रिलीज कर रहे हैं जो प्रेग्नेंट माताओं के लिए स्पेसिफिकली हमने बनाई हुई है,
जो कि उसके अगर वो बुक अगर पढ़ते हैं उनके जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस भी किए इसमें और कुछ कुछ और छोटे क्वेश्चन जो उनके मन में है वो उसमें ओवरकम कर सकती है। ये मेरी आपसे निवेदन है, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी होने के पहले पढ़िए ताकि आप इसके ब्रेस्ट फीडिंग, ये छोटी सी एग्जाम होती है, इसमें कुछ ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है लेकिन प्रिपरेशन करना जरूरी है। इसमें अगर आप प्रिपेयर रहती हैं तो आपके ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको बच्चा कैसे पकड़ना है, कैसे उसको दूध पिलाना है, कैसे उसका दूध मतलब वजन ठीक से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और अगर आप आपको कुछ प्रॉब्लम रहते हैं तो कैसे ओवरकम करें, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें उसमें लिखी गई है। आप इसको देखिए पढ़िए, आपको जरूर इसमें लाभदायक होगा। ये फ्री में फ्रीली अवेलेबल है एनओजीएस की वेबसाइट पे, ये हम लोग 4 अगस्त को फ्रीली लॉन्च करने वाले हैं। हम लोग वैसे भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माताओं को एएनसी पीरियड यानी जब वो प्रेग्नेंट होती है तब से उसकी प्रिपरेशन चालू करते हैं, निपल पोजीशन देख के और फीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए। तो फीडिंग की पोजीशन जो अलग अलग है उनकी माहिती पेशेंट्स को नहीं होती है, तो हमारी जो सिस्टर्स हैं उनके थ्रू या हम भी डायरेक्टली कभी कभी पेशेंट्स को ये समझा के बताते हैं पीएनसी पीरियड में कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, कौन सी उसमें पोजीशंस होती हैं। ये भी हम फोटो के एक पोस्टर है बहुत ही अच्छा, उसको समझा के बताते हैं। शायद आपकी किताब में वो पोस्टर भी होगा, माताओं को बिल्कुल देखने को मिलेगा वो। और मैं माताओं से आह्वान करती हूँ कि वो ये छोटी जो किताब जो लिखी हुई है डॉक्टर साहब ने उसके पढ़े और उसका फायदा लें पूरी तरह से। मैं आज की ये जूम मीटिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ और एनओजीएस का, डॉक्टर अलका मुखर्जी मैडम का, डॉक्टर किसीकर सर का, डॉक्टर कुबड़े सर का, डॉक्टर मौसमी पारपिन तड़स मैडम का, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आज एक ये सुंदर चर्चा सत्र हमने सुना। धन्यवाद सर, थैंक यू।